हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुक विद श्री लक्ष्मी में। आज मैं बना रही हूँ चाशनी वाला रबड़ी मालपुआ। मालपुआ बनाने के लिए मैं ले रही हूँ एक कटोरी से थोड़ा कम मैदा। अब लेंगे 2 से 3 चम्मच सूजी। सूजी डालने से मालपुआ कुरकुरी बनकर तैयार होगी। अब इस पे डालेंगे रबड़ी। फ्लेवर के लिए इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। इन सबको मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। ये मालपुआ आप तीज त्योहारों में या आपको कभी मीठा खाने का मन हो तो आप बना सकते हैं। मालपुआ को हम 5 से 7 मिनट तक फेंटेंगे। फेंटने के बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे। अब हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। एक बर्तन में चीनी और पानी डालकर 2-3 बार उबालेंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब हम इसकी चिपचिपी सी चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए जितना चीनी लेंगे उसका दुगना पानी डालेंगे। चाशनी हम चिपचिपी बनाएंगे। जिस तरह से गुलाब जामुन का चाशनी बनता है वैसा चाशनी बनाएंगे। चाशनी तैयार हो गई है, इसे हम गैस से उतार कर रख देंगे। अब हम मैदा और सूजी के घोल को देख लेते हैं। ये पहले से गाढ़ी हो गई है तो इसमें 2 चम्मच दूध या पानी डालकर पतला कर लेंगे। कढ़ाई में तेल या घी गर्म करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब हम कलछी से धीरे धीरे करके एक एक पुआ तेल में डालते जाएंगे। पुआ एक साइड सिक गया है, अभी इसे हम पलट कर दूसरे साइड भी पका लेते हैं। अब चाशनी में पुआ को डालेंगे और डालकर 2 मिनट तक इसे छोड़ देंगे ताकि पुआ के अंदर रस चला जाए। ये देखिए, ऊपर से कुरकुरी और अंदर से सॉफ्ट मालपुआ बनकर तैयार है। इसे अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। कटे हुए बादाम और पिस्ता से मालपुए की गार्निश करेंगे। अब गुलाब की पंखुड़ी से इसे सजा देंगे। मालपुए की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।